भोजपुरी की नई जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हो पीपल बायोग्राफी और आज हम आपसे बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। लेकिन अगर हम बात करें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, 2017 आखिर में खेसारी लाल यादव के साथ हो गया है थोड़ा सा उल्टा सा पंगा। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, खेसारी लाल यादव 31 दिसंबर को 4 बजे समस्तीपुर में शो करने वाले थे, जहां पर बहुत लोग खेसारी लाल यादव का इंतजार कर रहे थे, खेसारी लाल यादव के साथ हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तभी खेसारी लाल यादव के फैन ने सभी कुर्सियां तोड़ डाली, बहुत बुरा भला कहा खेसारी लाल यादव नहीं आ पाए समस्तीपुर में। लेकिन आपको बता दें, खेसारी लाल यादव ने हाल ही में एक वीडियो वायरल किया, वहां पर खेसारी लाल यादव ने सभी सच्चाई बताई है कि आखिर मैं क्यों नहीं आ पाया। खेसारी लाल यादव ने उस वीडियो में कहा है कि मैं इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि मुंबई से पटना की सभी फ्लाइटें रद्द कर दी गई थी, इस कारण मैं नहीं आ पाया समस्तीपुर। लेकिन खेसारी लाल यादव ने हार नहीं मानी, कलकत्ता से समस्तीपुर का राह गाड़ी से तय करने का सोचा। खेसारी लाल यादव ने 16 घंटा गाड़ी में चलकर समस्तीपुर पहुंचे, लेकिन आखिरकार 1 बजे जब रात में पहुंचे तो पूरी तरीके से सब कुछ खत्म हो चुका था और तब तक जो होना था वो हो गया। खेसारी लाल यादव ने अपने फैन से माफी मांगी कि ये सब हमारा किया करा नहीं है, ये सब ईश्वर का किया करा है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो होना था वो हो गया और अपनी जिंदगी की नए सिरे से शुरुआत करिए। तो खेसारी लाल यादव ने माफी मांगी अपने फैन से। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें बताएं और कॉमेंट करें।